से नहीं हटेंगे, ये भीम आर्मी का दावा है। अगर आज भी कोई समाधान नहीं निकला तो चंद्रशेखर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, वो आएंगे और हम डीसी और एसपी की कोठी को और उनके जो कार्यालय हैं उनको ताला लगाने का काम करेंगे पूरी। हमारे साथ हैं आज विजय भाई जो स्पीडो के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे आज जो कि एक तारीख है 1 जनवरी 2022 इस धरने पर आए हैं, कब से चला सर? सभी साथियों को जय भीम। साथियों, काफ़ी लंबे टाइम से खापड़ और छात्र के लोगों का बहिष्कार और क्या है, और उसके मामले में ही आज प्रदर्शन था, एक बड़ी कॉल की गई थी जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमल बराड़ा जी और हमारे पूर्व सांसद रहे लोकपा के जो मुखिया भी हैं राजकुमार सैनी जी, वो भी पहुंचे हैं और हम यहाँ बहुत बड़ी संख्या में एसपी कोठी के सामने हैं और प्रदर्शन चल रहा है। जब तक हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। एसपी साहब को कॉल भेज दी गई है, वो आए या ना आए हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भी हमसे बनेगा वो हमारे समाज के लोगों के लिए मरने मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सुनवाई मनुवादी सरकार है भाई, देखो ऐसा है, दुष्यंत चौटाला यहाँ का जो पुचाणा से विधायक भी है और डिप्टी सीएम है, उसका ही एरिया है, उसी के मतलब लोकसभा क्षेत्र के वो लोग हैं, उसी ने यहाँ एसपी साहब को, जो पहले एसपी साहब थे वो कार्रवाई कर रहा था, उसने ही अपने लोगों को बचाने के लिए नया एसपी लगाया, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारा पूरा समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भीम आर्मी का दावा है। अगर आज भी कोई समाधान नहीं निकला तो चंद्रशेखर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, वो आएंगे और हम डीसी और एसपी की कोठी को और उनके जो कार्यालय हैं उनको ताला लगाने का काम करेंगे पूरी। हमारी जो एससी और बीसी समाज हमारे साथ है और हम पीछे नहीं हटेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सर आज है क्या प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो पुतला फूकने का था और जो हमारे साथियों की डिमांड है, जो लोग गिरफ्तारी से बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार न किया गया, उनको गिरफ्तार करवाने का था, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने हमें रोक रखा है और एसपी साहब से बात करवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये रोड जाम रहेगा। ये रोड जाम होने की हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन ने आगे बस अड़ा रखी है और उसी वजह से रोड बाधित हो रखा है, रोड जाम हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो समाज में व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं और हमारे लोगों को न्याय मिले, इसीलिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी से मेरी अपील है, सभी साथी शांति से रहें और जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।